AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में कोई हिंदू टीचर नहीं पढ़ा सकता? क्या किसी हिंदू टीचर का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता? आपका इसमें क्या कहना है? क्या लगता है आपको, क्या इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा भेदभाव हो सकता है, क्या ऐसा भेदभाव चल रहा है? तो ये सोचकर ही अटपटा सा लगता है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा कैसे हो सकता है, और वाकई जो आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन साहब, फेसबुक पे एक यूज़र है शैलेन द्विवेदी ने एक ग्रुप फेसबुक पे बना हुआ है, वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। तो वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी पे इन्होंने पोस्ट किया है कि AMU के उर्दू डिपार्टमेंट में किसी हिंदू टीचर की नियुक्ति नहीं हो सकती। उसके बाद इन्होंने इसको BHU से कंपेयर किया है। शैलेन्द्र द्विवेदी ने दावा किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू प्रोफेसर उर्दू नहीं पढ़ा सकता, यानी कि हिंदू प्रोफेसर उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू नहीं पढ़ा सकता, ऐसा दावा है शैलेन्द्र द्विवेदी का। और उसके बाद उन्होंने उसको कंपेयर किया है एज अ वन वे सेकुलरिज्म, एक तरफा सेकुलरिज्म करके ये जो इन्होंने एक कमेंट किया है कि BHU में फिरोज खान की नियुक्ति पर फिर इतना बवाल क्यों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता किदवई साहब ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ किसी भी पद पर भर्ती के लिए धर्म बाधा या शर्त नहीं है, किसी भी धर्म के मानने वाला यहाँ पढ़ा सकता है। उन्होंने कहा अगर कोई इस तरह की अफवाह फैला रहा है तो वो अफवाह गलत है, यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी शिक्षक का अपॉइंटमेंट हो सकता है, बशर्ते वो एलिजिबल हो, बशर्त ये कि जितने भी क्राइटेरिया हो, एलिजिबिलिटी हो, वो पूरी करता हो। तो जो दावा फेसबुक पे किया जा रहा है, वो जो दावा है वो बेबुनियाद है, ये जो क्लेम है ये बेबुनियाद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई हिंदू टीचर नहीं पढ़ा सकता। हालांकि मौजूदा जो डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं उसमें कोई इस वक्त हिंदू टीचर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर कोई हिंदू टीचर होगा तो उसका उर्दू डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में किसी भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति पढ़ा सकता है, बशर्ते ये कि वो एकेडमिक स्तर पर काबिल हो, एकेडमिक क्वालिफाइड हो, वो पढ़ा सकता है। तो पंडित शैलेन्द्र द्विवेदी जी, कृपया करके आप अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट करें इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के स्तर से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमिनस होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये अपडेट आपको दे रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। आप भी अगर क्वालिफाइड होंगे द्विवेदी जी तो आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में भी पढ़ा सकते हैं, बशर्ते ये कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया पर आप खड़े उतरें। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, और अगर Twitter और Instagram पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बता सकते हैं, कोई सजेशन हो वो बता सकते हैं, कोई और ख़बर ऐसी हो आप चाहते हैं कि वो ख़बर जो है वो आम की जाए, वो ख़बर जो है वो दुनिया तक पहुँचे, तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।